बड़ौदा शहर के जेपी रोड पुलिस स्टेशन में बीते दिनों कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से जुड़े नवल ठक्कर के खिलाफ एक पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। दरअसल पीड़िता के पिता की ओर से ये दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद आरोपी नवल ठक्कर की लगातार गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से विभिन्न विस्तारों में रेड की जा रही थी। तब जिस तरह से खुफिया जानकारी पुलिस के हाथ लगी थी कि नवल ठक्कर अंबाजी से बड़ौदा अपने घर के ओर जा रहे हैं, तब आइनोक सिनेमा के पास रिक्शा में से नवल ठक्कर की गिरफ्तारी आखिरकार गोत्री पुलिस की ओर से की गई है और पुलिस विभाग की ओर से उसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है। नवल ठक्कर से जब इस बारे में पूछताछ मीडिया ने की, तब मीडिया के सामने नवल ठक्कर ने बताया कि वो बेकसूर है, जिसके बाद पुलिस विभाग की ओर से भी नवल ठक्कर की गिरफ्तारी के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पूरे मामले की जानकारी पुलिस विभाग की ओर से दी गई थी। आ बधु खोटू छे, खोटू छे, सा माटे खोटू छे? लोगों ने तमे સંપર્કમાં હતા, પારિવારિક સંબંધ હતા, હા તેમણે કે જતા હતા, તમે जेपी रोड पुलिस स्टेशन में गई तारीख 28 सांजे एक आईपीसी 376 मुजब नो गुनो दाखल करवामां आवेलो छे। अने जे फरियाद छे ए मुजब जे फरियादी नी दीकरी छे एनी साथे आज आरोपी है नवल दीपक कुमार ठक्कर के जे कंस्ट्रक्शन धंधो करे छे, आ आरोपीए एनी दीकरी साथे वारंवार दुष्कर्म करेलू छे ए बाबतनी फरियादीए फरियाद नोंधावेली छे। अने आरोपी ने पकड़वा माटे अमारी 4-5 टीमों सतत कार्यरत हती अने ए जे अमारू काम हतुं एमां सफलता मळता गई काले रात्रे एक बातमीना आधारे आरोपी ने पकड़ी पाड़वामां आवेलो छे। आरोपी अमने जे माहिती मळी हती ए प्रमाणे आरोपी अंबाजी थी पोताना घर तरफ आवी रह्यो हतो अने ए रिक्षामां तो ए दरमियान माहिती मळी एटले आइनोक्स इलोरा पार्क पासेथी मार्केट पासेथी आरोपीने अमारी गोत्री पुलिस स्टेशननी टीम द्वारा पकड़ी पाडवामां आवेलो छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।